दीपक कलाल एक गरीब इंसान है, मैं मानती हूँ वो यूनक से हिजड़ा है, छक्का है, मैं मानती हूँ। दोस्तों दिल रखो, बड़ा दिल रखो, वो छक्का है, वो हिजड़ा है, मैं मानती हूँ, ठीक है, यूनक से। मुझे दुख हो रहा है ये आप सबको बताते हुए कि दीपक कलाल बहुत गरीब इंसान है, वो ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के यूट्यूब में डालता है, यूट्यूब से हर जगह से उसे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से उसका और उसकी माँ का घर चलता है, हर कोई ऐसा वीडियो बनाता है, कौन नहीं बनाता है बताओ। हाँ कहीं कहीं पे वो बहुत गलत है, गलत लैंग्वेज यूज करता है, लेकिन कानून ऐसे किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी को मारना धाड़ना हमें भी आता है, 2 मिनट लगते हैं गोली से उड़ाने के लिए, लेकिन हम ये सब नहीं करते, कानून हम हाथ में नहीं लेते, समझे। तो मैंने भी उसको इसलिए सपोर्ट किया था कि उस कुछ पैसे आ जाए तो वो अपना इलाज करे। मैं आज भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मेरी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि उसे स्टमक में एक टाइप का कैंसर है, वो कहीं पर भी काम करने जाता है, बिग बॉस में जाने वाला था तो वो नहीं गया, उसने मुझे खुद अपने मुंह से बताया है कि उसको प्रॉब्लम थी, वो कहता कि मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को तो जो ये काम करके तेरे को मिलता है तो तू कर ले। बहुत सारे भड़वे भड़वियों है जो कितने ऐसे नंगे नंगे ठुकाई वाले फिल्म देखते हैं, सीक्रेट टाइप आप देखो, जिसमें सिर्फ गंदगी है, तब देश खराब नहीं होता? इतने बच्चे 5-5, 10-10 साल की लड़कियों का रेप करते तब देश खराब नहीं होता? 12-12 साल के बच्चे खराब नहीं होते? हाँ बताओ ना, बहुत देश को सुधारने चले हो तो पहले जाके उन लोगों को सुधारो ना जो छोटी छोटी बच्चियों को रेप करते हैं, जो दूसरों को लूटते हैं, खून खराबा करते हैं, देश को लूटते हैं, देश के गरीबों को लूटते हैं, उनको खत्म करो। दीपक मेरा कोई नहीं लगता, मेरा भाई लगता दीपक। मैं दीपक को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला, मैं आज सबको बताती हूँ, जब मुझे पता चला कि उसका घर YouTube से चलता है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो अमेरिका लंदन यहाँ वहां जाने का जो चीजें है वो झूठ बोलता है, उसकी माँ की दवाई, उसकी खुद की दवाई चलती है, आज मैं इतना खुल के इसलिए बोल रही हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वो कमजोर इंसान है। मैं आज सबको बताती हूँ, जब मुझे पता चला कि उसका घर यूट्यूब से चलता है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो अमेरिका लंदन यहाँ वहां जाने का जो चीजें है वो झूठ बोलता है, उसकी माँ की दवाई, उसकी खुद की दवाई चलती है, आज मैं इतना खुल के इसलिए बोल रही हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वो कमजोर इंसान है, एक यूनक्स है, वो कमजोर इंसान है, तो ऐसे 4-5 मुस्टंडे ने उठा के उसको कोने में रात को लेकर गए, उसको मारा, थप्पड़ मारे, लाते मारी, क्या इससे साबित होगा? तुम मर्द साबित हो जाओगे इससे? एक कमजोर इंसान को मार के मर्द साबित होते हो तुम लोग? ये गलत है भाई। मेरा दीपक का जो शादी का वो सब नाटक था, वो एक स्टंट था, वो एक नाटक था। दीपक आदमी था ही नहीं, इसलिए मैंने वो स्टंट किया, क्योंकि वो समझ रहे मुझे बोलना नहीं, यूनक से। और मेरी शादी बहुत अच्छी जगह होगी अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो। मैं बहुत बेबाक और सच्ची लड़की हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ जब उसे मारा गया। उसको भी जीने दो यार, जीने दो उसको। लोग कोई भी बहन, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उठ के कोई भी उसको गाली दे देता है, क्यों? मैं मानती हूँ वो ब्रा पैंटी पहन के ये सब हरकतें करता है, मैं मानती हूँ वो ऐसी चीजें करता है। अरे आप भी तो सोचो, आप भी जितना बड़ा गुनहगार वो है, जितना आप भी उनके गुनहगार हो, आप उसकी वीडियो क्यों देखते हो? अब जब तक वो ऐसे अतरंगी चीजें नहीं करेगा, उसकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, लाइक्स नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा, इसलिए वो ऐसे सब करता है। तुम लोग अपने गरीब बांध में जाके देखो आईने में कि तुमने कितने पाप किए। एक एक बंदा दीपक को मारे और एक एक बंदा दीपक को गाली दे, वही बंदा गाली दे जिसने पाप ना किया हो। हम सब पापी, हम सब ने पाप किया है,
हम सब ने पाप किया है भाइयों बहनों, हमें दूसरों को गाली देने का अधिकार नहीं है। अगर मैं गलत करती हूं तो मुझे सजा ईश्वर देगा, इंसान नहीं। अगर दीपक गलत करता है तो उसे ईश्वर सजा देगा, कोर्ट सजा देगा, पुलिस सजा देगा, जज साहब सजा देंगे, ना कि इंसान। इंसान की औकात नहीं है। अबे रोहित, गाली मैं तुझे ऐसी दे सकती हूँ ना साले, ऐसे तुझे दे सकती हूँ ना, तेरे घर में घुस के साले, समझा? लेकिन मैं दूंगी नहीं, मेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं है देने के लिए, क्योंकि तो मैं अभी एक सच्चाई बात बोलनी